हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएके वर्सेस एनईडी, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में जो है वर्ल्ड कप का ये जो है सेकंड मैच होने वाला है। जो सेकंड मैच होगा वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है हैदराबाद के वेन्यू पे होगा। 2 बजे से मैच स्टार्ट होगा, 6 अक्टूबर को ये मैच होने वाला है। इस वीडियो में आपको फुल स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, तो मेरे भाई वीडियो को यार पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो। इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी जानकारी भी मिलने वाली है। डायरेक्टली हम मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्री टीम्स मिलती है, फ्री गिवअवे, मैच अपडेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। तो आप टेलीग्राम का चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। देखो यार, यहाँ की जो पिच है ना, बैटिंग के लिए जो है अच्छी पिच मानी जाती है। हाई स्कोरिंग जो है ग्राउंड रहता है। यहाँ पर फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को जो है लगभग इक्वल विकेट्स देखने के लिए मिले हैं। पेसर्स को यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छा एडवांटेज देखने के लिए मिला है। फर्स्ट इनिंग का अगर आप स्कोर देखोगे 286 है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। और जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने के लिए। तो टेलीग्राम का चैनल भी आप जो है ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको जो है मोस्टली अपडेट्स देखने के लिए मिलती है। वैसे अगर वेन्यू की बात की जाए, इस वेन्यू पे आप देखोगे टोटल जो है 7 ODI मैचेस हुए हैं। एवरेज स्कोर 280 है। अगर आप बैट फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर 4 बार विन किया है, तीन बार यहाँ पर जो है बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। वैसे अगर आप देखोगे तो 200 से 250 के बीच में 3 बार स्कोर बना है, 250 से 299 के बीच में 1 बार स्कोर बना है, और 300 से ऊपर का स्कोर यहां पर 3 बार बना है। इस वेन्यू पे हाईएस्ट स्कोर देखोगे 350 रन है, और लोवेस्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो 174 रन यहां पर जो है लोवेस्ट स्कोर है। तो ये तो इस वेन्यू की बात हो गई। इस वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना, वो भी आप देख लो। लास्ट मैच जो था वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का था, हाई स्कोरिंग मैच था। फास्ट बॉलर को 6 विकेट 8 विकेट जो है यहाँ पर जो है मिले थे, और मतलब फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, सेकंड इनिंग में 8 विकेट मिले थे, और स्पिनर्स को जो है पहले इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग में जो है 2 विकेट मिले थे। ये वाला मैच अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज जो है इंडिया के बीच में खेला गया था। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, स्पिनर्स को जो है फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, और यहाँ पर जो है स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। टोटल 14 विकेट जो है फर्स्ट इस वाले मैच में जो है फास्ट बॉलर को, और 3 विकेट जो है स्पिनर को मिले थे। इस मैच में अगर आप देखोगे फास्ट बॉलर को 6 विकेट और जो है स्पिनर्स को 5 विकेट, तो ओवरऑल यहां पर जो है फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा जो है अच्छा एडवांटेज जाता है। हेड टू हेड की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में, अगर आप देखोगे टोटल जो है 6 ODI मैचेस हुए हैं। 6 के 6 मैच जो है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने जो है विन किया है। लास्ट इनका जो मैच था वो भी आप देख सकते हो, पाकिस्तान ने जो है 9 रन से जो है मैच विन किया था। तो इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, स्ट्रांग है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है पाकिस्तान की टीम जो है मुझे लगता है कि भाई वन साइडेड भी विन कर सकती है। तो गाइज, आप अगर अपनी ड्रीम 11 की टीम क्रिएट करना तो पाकिस्तान को फेवरेट करके ही जो है अपनी टीम क्रिएट करिएगा। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगर आप देखोगे तो फ़खर जमान के साथ में इमामुल हक आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। बन डाउन पे बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान है, फिर यहाँ पर आगा सलमान है, इख्तियार अहमद है, सादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, सईंस आफरीदी है, हसन अली है और हरीश रौफ है। तो ये आपको जो है पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 मिलती है। इनके अगर आप देखोगे तो भाई हमने जो है लास्ट मैचेस के जो है प्लेयर के परफॉर्मेंस यहां पर दी हुई है, तो कौन सा प्लेयर जो है किस फॉर्म में है वो भी आपको यहां पर जो है देखने के लिए मिल जाता है एक एक प्लेयर का। तो यहां पर आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब प्लेयर के स्टैट्स की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो फखर जमान ने हेड टू हेड में जो है 3 मैचेस में टोटल 138 रन किए हुए हैं। रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। वेन्यू पर तो आपको किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाबर आजम ने 3 मैचेस में 222 रन किए हुए हैं। इमामुल हक का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने भी 2 मैचेस में जो है 82 रन किया हुआ है। आगा सलमान ने 3 मैचेस में 101 रन जो है किया हुआ है। तो प्लेयर के स्टैट्स आपको पूरे सारे ही प्लेयर्स के स्टैट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सादाब खान का देखोगे 2 मैचेस में 48 रन है, प्लस 1 विकेट है। यहाँ पर नवाज ने 3 मैचेस में जो है 4 विकेट निकाले हैं। सईंस आफरीदी ने हेड टू हेड मैचेस में नहीं खेला है, हसन अली ने नहीं खेला है। हरीश रौफ ने अगर आप देखोगे 2 मैचेस खेले हैं जिसमें जो है उन्होंने टोटल 6 विकेट निकाले हैं। तो हरीश रौफ का रिकॉर्ड जो है काफी शानदार आपको देखने के लिए यहां पर मिलता है।
अब नीदरलैंड की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड में आप देखोगे विक्रमजीत सिंह के साथ में जो है मैक्सो डाउन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे वसील बैरडर्सर हैं, उसके बाद जो है बेस डी लडी हैं, कॉलिन एक्रोमैन है, उसके बाद जो है टी नडा मरानू हैं, उसके बाद जो है स्कॉट एडवर्ड्स हैं, फिर रॉल्फ वर्डेर मेवार हैं, लोगन वॉन बीक हैं, उसके बाद पॉल मक्रीम है और यहाँ पे आर क्लेविन है। तो ये नीदरलैंड की जो है प्लेइंग 11 आपको मिलती है, इनके भी रिसेंट परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप एक एक प्लेयर का रिसेंट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेयर के स्टैट्स की अगर हम बात करें, विक्रमजीत सिंह अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अगेंस्ट में 3 मैचेस खेले हैं, टोटल 116 रन है, मैक्सो डाउन का रिकॉर्ड काफ़ी पुअर है लेकिन ये काफ़ी अच्छा जो है टैलेंटेड बैटर है। वसील बरसी की अगर हम बात करें 2 मैचेस में सिर्फ 5 रन है, बाकी यहाँ पे बीस डी लड़ी की अगर बात की जाए तो 3 मैचेस में 110 रन है और 5 विकेट भी निकाले हुए हैं। अपनी टीम के लिए सबसे शानदार प्लेयर ये रहने वाले हैं। कॉलिन एक्रोमैन भी बहुत बढ़िया जो है प्लेयर है, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में खेलने का इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, नो डाउट अपने दिन पे बहुत अच्छा कमाल आपको करके जो है दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्कॉट एडवर्ड्स की, विकेट कीपर बैटर हैं, बहुत अच्छा करते हैं, 3 मैचेस में टोटल 82 रन किया हुआ है। वॉर्डेर मेवार ये भी जो है बढ़िया टैलेंटेड बॉलर हैं और भाई कमाल करके अपने दिन पे आपको दे सकते हैं। लोगन बीक ने 3 मैचेस में 3 विकेट निकाले हैं, बाकी पॉल विन मक्रीम और जो है रियान केल्विन ने कोई भी हेड टू हेड में मैचेस जो है नहीं खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइज अगर आप ड्रीम इलेवन की टीम बना रहे हो तो यहाँ पर ये मैंने डेमो टीम अभी इसके लिए शेयर करी है, इसमें पाकिस्तान को मैंने मोस्टली फेवर किया है और साथ ही साथ लोगन वॉन बीक, आर वेड मेवार और बेस डी लडी 3 बॉलर मैंने जो है जो कि नीदरलैंड के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इनको अपनी टीम में लिया है। बाकी यहाँ पर पूरी पाकिस्तान की जो है मैंने टॉप ऑर्डर के बैटर्स को भर लिया है। आप सीवीसी जो है एक्सचेंज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, बाबर आजम को जो है एज अ कैप्टन कर सकते हो, सईद अफरीदी को वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन कर सकते हो, तो ये चीज़ जो है आपको फाइनल देखने के लिए मिलेगी। इस टीम के साथ में आप ज्वाइन कर लो, अगर पाकिस्तान की पहले बैट आती है तो डेफिनेटली आप टॉप ऑर्डर के जो है 5 बैटर्स को अपनी टीम में लेके जाइएगा। बाकी शादाब खान, हरीश रॉफ और सईद अफरीदी ये 3 मेन बॉलर रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से जो कि आपकी टीम में होने चाहिए। यहाँ पर आप जो है किसको ड्रॉप कर सकते हो तो जो है ए सफीक को जो है अपनी टीम से आप हटा के किसी और प्लेयर को जो है चाहो तो अपनी टीम में ले सकते हो। तो ये हमारी जो है टीम यहाँ पर रहने वाली है पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड वर्ल्ड कप मैच नंबर 2 के लिए। गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो दोस्त तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।